ग्रेट पर्सन बनने के लिए सबसे पहला फार्मूला है, तो सबसे पहला फार्मूला है कि जो ग्रेट लोग होते हैं ना, वो एक चीज़ पे 110% फोकस करते हैं। क्या बोला मैंने? जो ग्रेट लोग होते हैं वो मोर देन अदर पीपल एक ही टास्क पे फोकस कर रहे होते हैं। ओके, आई ऑल द टाइम से कि एक होता है एक आंख से फोकस, एक होता है दोनों आंखों से फोकस। एक आंख का फोकस क्या होता है? नहीं, एक आंख का फोकस ये है कि आप समटाइम उस पर फोकस कर, या एक मतलब आधा फोकस आप अपने काम पे कर रहे हो, आधा फोकस किसी और काम पे कर रहे हो, या और मल्टीपल चीज़ों पे कर रहे हो। जब तक आपकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पे 110% कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगी, फॉरगेट अबाउट बिकमिंग द ग्रेट पर्सन ऑन दिस अर्थ। देखिए, इसकी परफेक्ट एग्जांपल हमारे प्रॉफिट की है। अगर मेरे दाएं हाथ पे सूरज और बाएं हाथ पे चांद भी रख दिया, तो जो मेरा फोकस है मैं उससे डिविएट नहीं होगा। इससे बड़ी एग्जांपल हो नहीं सकती। तो ये जो मौसमी तगयरात हैं, बारिश हो गई, गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आपका फोकस डिविएट कर रही हैं, तो फिर जस्ट थिंक दैट वेयर यू स्टैंड। उनकी सबसे पहली निशानी ये है कि उनको मौसमी तगयरात या हालात के जो तगयरात होते हैं वो उन पर इम्पैक्ट, वो अपने फोकस को डिविएट नहीं होने देते। बाकी सारी चीज़ें वो सेकेंडरी समझते हैं। इस दुनिया की सारी चीज़ें सेकेंडरी, पैसा है नहीं है सेकेंडरी समझेंगे, अच्छी जॉब है नहीं है सेकेंडरी समझेंगे, ओके रहने के लिए अच्छा घर है सेकेंडरी समझेंगे, लेकिन उनका जो प्राइमरी फोकस होता है उसे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। याद रखना इसको। अगर आप दूसरी चीज़ों को भी इक्वली इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं जितना आप अपनी डिज़ायर फोकस जो आपका ऑब्जेक्टिव है उस पर कर रहे हो, तो फिर आपका फोकस वन आई फोकस है। आप खुद देख लो आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। मतलब आप अपनी स्टडीज़ के साथ इक्वल ही फोकस आप दूसरी चीज़ों को भी दे रहे हो। ये हो नहीं सकता कि आप फिर उस ग्रेटनेस पे पहुँच सकें। बाकी दुनिया की हर चीज़ आपको छोटी लगे, हर रिश्ता आपको छोटा लगे सब अपने मकसद के सामने, उसको कंप्रोमाइज़ करना है नो प्रॉब्लम। कोई बोले दिन को आपने 2 बजे आपने टास्क करना है, आपने अपनी स्टडीज़ के लिए क्लास में आना है, यू आर ओके विद डैट, ओके? क्यों? क्योंकि आपका जो फोकस है, और अगर आपको सर्दी गर्मी ये छोटे मोटे दुनिया के जो सिचुएशंस होती हैं, जो ऊपर नीचे होती हैं, अगर इसकी वजह से आपका फोकस डिविएट हो रहा है, तो फिर समझ लो कि आप अभी तक आपने समझा ही नहीं कि फोकस होता गया। क्लियर हो गया? सो ग्रेटनेस की जो सबसे पहली निशानी है, ग्रेटनेस की जो सबसे पहली निशानी है वो क्या है? फोकस ऑन वन ऑब्जेक्टिव और वन गोल। ओके, द सेकंड पॉइंट, ओके द सेकंड पॉइंट ऑफ ग्रेटनेस वो क्या होगा? लेट मी नो, गिव मी सम आइडिया। वो तो हो गया फोकस, वो ही हो गया ना। मेंटेन योर फोकस मीन मेंटेन योर गोल, अचीविंग योर गोल। तो वो फोकस किस पे कर रहे हो? एक चीज पे कर रहे हो ना, एक मकसद पे कर रहे हो। वो मकसद क्या है? वो गोल है, वो आपका ऑब्जेक्टिव है, तो वो उसी में कवर हो रहा है। एक्सीलेंट। जो बड़े लोग होते हैं, अच्छा इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि जो बड़े लोग होते हैं वो ग्रेटर पॉसिबिलिटीज़ के लिए जी रहे होते हैं। ग्रेटर पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं? कि जिस तरह बात करता हूँ कि इकबाल आज भी जिंदा है, जिंदा है कि नहीं है? कायदे अजम आज भी जिंदा है, आप प्रॉफिट आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं, ठीक है, न्यूटन भी जिंदा है, अरिस्टोटल भी जिंदा है। सो जो बड़े लोग होते हैं उनकी जो ज़िंदगी होती है वो सिर्फ 50, 60, 70 साल की नहीं होती, उनकी ज़िंदगी कम से कम 1000 साल की तो होती है। मतलब 1000 साल बाद में भी वो जिंदा। असल जो मौत है वो फिज़िकल मौत नहीं है, असल मौत यह है कि आपके आइडियाज़। अच्छा, दो तरह के लोग होते हैं, आप मरे साथ ही आपके आइडियाज़ भी मर गए,
साथ ही आपका किया धरा जो भी था सारा ख़त्म हो गया, आपने सीए किया, इतनी मेहनत की, इतने पढ़े, साथ ही मतलब डेथ हो गई, सब कुछ ख़त्म। एक है कि आपने ऐसा कुछ किया कि आप मर गए, खप गए, लेकिन आपका काम चल रहा है, आपके व्यूज़ चल रहे हैं। सबसे जो बेहतरीन इस केस में जो VN दी है, उनका VN बड़ा स्ट्रांग होता है ना, जो बड़े लोगों का VN, सबसे बेहतरीन VN किसका था? हमारे प्रॉफिट का था। क्यामत तक मेरा व्यू चलेगा, क्यामत तक। जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन होती हैं वो 100 साल से चल रही हैं, 150 साल चल रही हैं। आप देख कोक देखें और बड़ी नेस्ले देखें, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको मोर देन 1 सेंचुरी हो गए हैं। तो उनके ऑनर्स VN तो वो होता ही नहीं है जो ज़िंदगी में अचीव हो जाए। आपने VN कहीं पढ़ा होगा VN क्या होता है। VN इज समथिंग के मेरे मरने के बाद भी वो चीज़ कंटिन्यू रहे, वो VN होता है। VN तो सारी ज़िंदगी अचीव नहीं होता, याद रखना इस बात को। हाँ, उस चीज़ को ज़िंदगी में आप थोड़ा बहुत कैसे अचीव कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड द मिशन। लेकिन VN इज समथिंग, इज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि आप 90 साल भी जियोगे फिर भी आप में वो एनर्जी होगी, यार अभी मेरा काम रहता है, मैं कुछ और कर लूँ, मैं कुछ और कर लूँ। अगर वो ज़िंदगी में वो चीज़ अचीव होगी तो वो VN नहीं है फिर, नहीं समझ आई। अगर जो आपने ख्वाब सोचा है और अगर ज़िंदगी में ही अचीव हो जाए तो VN नहीं है फिर। VN इज़ समथिंग कि आपके मरने के बाद भी वो कॉन्सेप्ट आगे चलता रहे, दैट्स अ VN। लेकिन जो उस जो उसमें जितना पार्ट प्ले कर रहा है, दैट्स अ मिशन स्टेटमेंट। फिर वो आगे चल जनरेशन आगे मूव करता रहे वो कॉन्सेप्ट, एंड दैट्स अ VN स्टेटमेंट। और जो आप बात कर रहे हो, जो बड़े लोग होते हैं उनकी VN, उनका देखना, उनका सोचना, वो बहुत, वो एक स्टेपिंग स्टोन होता है। जिस तरह से अब परफेक्ट एग्जांपल कि जो बड़े लाइक व्हाट वी शुड बिलीव कि दुनिया के जितने भी हालात हैं, आपने गोल्ड मेडल ले लिया या आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली, इट्स जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन फॉर अ बिगर कॉज। बिगर कॉज क्या कि आगे चल के अगले जहां में आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, दुनिया की सक्सेस और दुनिया की डिप्रेशन किसको होती है? दुनिया की सक्सेस का मज़ा, उसमें पागल हो जाते हैं लोग, पार्टीज करते हैं, शराबें पीते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, आपको पता है। ठीक है, और दुनिया की जब आपको फेलियर होता है तो आप डिप्रेस हो जाते हो और फिर आप बीमार हो जाते हो और दवाइयाँ खाना, ये जो दुनिया के जो झटके हैं ज़्यादा किसको लगते हैं और किसको लगते हैं? जो ग्रेट होते हैं उनको दुनिया के झटके नहीं लगते। दुनिया में अच्छा हुआ, इट्स ओके, वो बोथ सिचुएशन में अपने आप को नॉर्मल रखते हैं। मतलब अच्छा हुआ कोई बात नहीं, अब मेरा तो कॉज बहुत बड़ा है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने कैफ किया, कैफ तो इस यार नथिंग, अभी तो मैंने बड़े आगे मंजिलें तय करनी है, मैं वन ऑफ द बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है इन द वर्ल्ड, ये तो कुछ नहीं है अभी। सो अगर कुछ बुरा भी हुआ कोई बात नहीं, मैंने सीखा ऐसे, तो उनका इमोशनल इंस्टेबिलिटी नहीं होती। ये नहीं कि दुनिया का कुछ थोड़ा सा अच्छा काम हुआ तो आप अपना फोकस भूल के तो आप उसमें मगन हो गए, पार्टी इन्वायरमेंट में चले गए, आप जनाब खुशियों में इतना पागल हो गए कि आप 2 हफ्ते आपने काम ही नहीं किया, और आप इफ समथिंग हैपन बैड तो आप मायूस हो गए, डिप्रेस हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, प्रोडक्टिविटी को लो कर बैठे, वो अपनी एनर्जी को बचा के रखते। I give example again, the prophet, बुढ़िया कचरा फेंकती थी, no problem, फेंके, क्योंकि मेरे आई एम लिविंग फॉर अ bigger cause, stepping stone, bigger purpose, ठीक है, लोग मजनू बोलते थे, क्रेजी पत्थर मारते थे, no problem, I am living for the bigger cause। तो जो बड़े लोग होते हैं वो दुनिया के लोग क्या कहेंगे और जो दुनिया के जो हालात में नशेबो फराज आता है उसकी बेस पे अपनी एनर्जी डाउन नहीं करते। हमारी जो बैटरी है वो बड़ी ही लिमिटेड बनाई गई है, जो हमारी जैसे UPS की बैटरी चार्ज होती है ना, हमारी बैटरी बड़ी लिमिटेड एनर्जी के साथ है, और अगर हम लिमिटेड बैटरी को इस एनर्जी कंज्यूम करेंगे, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, वो मैंने सेल्फी अपलोड की थी अभी तक लाइक नहीं मिला मुझे, लाइक्स नहीं मिले, मैंने स्टेटस अपलोड किया था अभी तक कितने लोगों ने देखा कितने नहीं देखा, उसने अभी तक नहीं देखा, अब वो टेंशन में पड़े हुए हैं। मतलब जो बड़े लोग हैं वो अपनी एनर्जी को इन चीज़ों से वो ज़ाया नहीं करते, एनर्जी को सेव करके रखते हैं अपने फोकस में। जो आम लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को इन छोटे 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 चीज़ों में कंप्लेनिंग स्टेट में रह रह के या नेगेटिविटी में रह के अपनी एनर्जी वो डिल्यूट कर देते हैं, और बिगर कॉज के लिए या अपने फोकस के लिए उनकी एनर्जी जो है वो
फिर होती नहीं है। मतलब आप अगर एक गोल्ड मेडल आपने लेना है और आप सुबह ही उठे, आप, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है कि आप उठे सुबह 70% एनर्जी के साथ, आपने नेगेटिव सोचना शुरू किया, आप क्लास में आते आते आपकी एनर्जी 30%, आप 30% एनर्जी के साथ आपका गोल्ड मेडल ले सकते हो क्या? आप पेपर पास कर सकते हो? पेपर पास करना मुश्किल हो जाएगा। तो अटेम्प्ट किन की ज़्यादा आती हैं? ये उन बच्चों की आती हैं, ये बैठे तो क्लास में होते हैं। ये हो नहीं सकता कि आपकी एनर्जी फुल हो, देखिए, और आपके अटेम्प्ट आ जाए, हो नहीं सकता। बच्चे क्लास में बैठे होते हैं, टीचर भी एक क्लास, उसी क्लास में एक बच्चा गोल्ड मेडल ले गया और बाकी कितने को अटेम्प्ट आ गए। तो यू सरप्राइज कि यार मेरे साथ बैठा होता था तो इसके अटेम्प्ट कैसे आ गए? उसके पीछे वो जिस एनर्जी के साथ बैठा हुआ है, अब उसके पता है जहन में क्या चल रहा है, क्या टेंशन चल रही है, क्या डिप्रेशन लेके आया हुआ है, यू नो, क्या मतलब दुनिया के हालात उसको कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब उसकी एनर्जी वहाँ पे लग रही है। तो उसका जो फोकस है जहाँ पे लगना चाहिए था उधर नहीं है, फिजिकली यहीं पर होगा, क्योंकि दो चीज़ें हैं फोकस करने के लिए, ओके, फिजिकल के साथ मेंटल का होना भी लाजमी है। तुम लोग करते क्या हो, फिजिकली अपना 60-40 जितना भी वेट है उठा के ले आते हो, ठीक है, लेकिन मेंटली कहीं पीछे मतलब उसको कहीं और छोड़ आते हो, वो घर पे छोड़ आते हो या मॉडर्न पार्क में छोड़ आते हो या किसी के साथ छोड़ आते हो, मतलब उसकी टेंशन लेके बैठे हुए हो। नहीं समझ आई? अब फोकस जो है, आप फिजिकली यहाँ पे हो, फिजिकली मेरे सामने बैठे हो, लेकिन मेंटली, तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए। जहाँ फिजिकली हो, यही तो कामयाब लोगों की निशानी है कि वो प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। जहाँ वो फिजिकली होते हैं, ये आप हो, छिंज आप हो, ओके, मतलब ये फिजिकली हो, अब घर से उठ के यहाँ पे आ गए फिजिकली, ओके, लेकिन ये माइंड है, ओके, फोकस है, ये फोकस उधर घर ही छोड़ आयो या कहीं और छोड़ आयो, ये फोकस इधर है, आप इधर हो, तो मिसमैच हो गया। अब आप आपकी अटेंडेंस भी लग रही है, क्लास में भी बैठे हो, माँ बाप कह रहे हैं बेटा पुत्र पढ़न गया है, उनको ये नहीं पता कि इसका जो माइंड है वो कहीं और घूम फिर रहा है, वो कहीं आवारागर्दी कर रहा है। तो जो ग्रेट लोग होते हैं वो जहाँ पे होते हैं अपना माइंड भी वहीं पे रखते हैं, बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो उनको एक काम किया करो, जब आया करो ना यहाँ पे, तो इश्यूज हैं लाइफ पे, ये नहीं कि वो इश्यूज ख़त्म मतलब हो सकते हैं, वो रहेंगे ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ आपका इशू रहेगा। एक काम करो कि उन इश्यूज़ को ना एक विजुअलाइजेशन की टेक्निक होती है, उनकी पंडोकली बनाया करो आने से पहले ना, पंडोकली, है ना, वो गांव वगैरह में औरतें जो है ना वो पंडोकली सर में रख के और वो पहले मतलब ट्रैवल किया करती थी, तो पंडोकली है ना विजुलाइज करो कि पंडोकली जो है वो उसमें आपने अपने सारे गन बला जो भी हैं आपके इश्यूज हैं जो भी चैलेंजेस हैं वो आपने पंडोकली में डाल दिए, ठीक है, ओके, ऊपर टाइट बंद कर दो। जब यहाँ पर आओ ना तो जो ही इंटर हो ना गेट से तो वो यहाँ बाहर फेंक कर आया करो, वो जितने भी इश्यूज है पंडोकली में बारे, वो इश्यूज ऐसे हैं कि वो आप ख़त्म भी नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ इश्यूज आपके रहेंगे ज़िंदगी में, कोई हॉस्टल का इशू है, कोई खाने पीने का इशू है, कोई पैसों का इशू है, कोई हेल्थ का इशू है, कोई रहेंगे इशूज, कोई रिलेशनशिप का इशू है, इशूज रहेंगे, ठीक है, उसने मुझे ऐसा कह दिया, इशूज रहेंगे आपके, लेकिन वो इशूज़ क्या करो, जो बड़े लोग होते हैं मैं बता रहा हूँ, इशूज़ क्या करो कि उनको बाहर फेंक करो, जो ही इंटर हो सब भूल जाओ, फिर आप हैं और आपका फोकस है। हाँ, जब वापस जाओ तो फिर पिंडोकली उठा के ले जाओ, लेकिन इधर नहीं आनी चाहिए, बात समझ आ रही? सो दिस इज अ सेकंड टेक्निक, ओके, जो ग्रेट लोग होते हैं अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखते हैं और दुनिया के छोटे छोटे जो हालात होते हैं उनकी वजह से, मतलब उनका रिमोट कंट्रोल उनके अपने हाथ में होता है, वो दुनिया को अपना रिमोट कंट्रोल नहीं देते, दुनिया जो मर्जी के, They don't need the approval of other people. दुनिया छिंज बोले, दुनिया पागल बोले, दुनिया मजनू बोले, पत्थर मारे, They don't need approval of other people. जो ग्रेट लोग होते हैं वो अपने फोकस पे इतने मगन होते हैं कि they are damn concerned about other things. I hope you got it. Clear जी? Let's move on to the third point. और बताएं जी. हाँ, जो ग्रेट लोग होते हैं, वेरी गुड पॉइंट, ग्रेट ओके, वेरी गुड पॉइंट। सो पहला पॉइंट क्या है जी, हमारा पहला पॉइंट क्या है फोकस का, नहीं, ग्रेट पीपल्स का, कि उनका जो फोकस होता है वो, यस, फोकस
इन वन डायरेक्शन, ठीक है, फोकस इन वन डायरेक्शन, ओके, मतलब जिसे हम बोलते हैं लेजर फोकस, आप कह सकते हो इट्स अ न्यू वर्ड फॉर मी, लेजर फोकस। लेजर जब पड़ता है बिल्कुल है, जैसे लेजर पड़ता है एक ही पॉइंट, इस रंग आपका वो पॉइंट वाला फोकस होना चाहिए, इतना फोकस जब तक नहीं होगा फॉरगेट अबाउट द ग्रेटनेस, वो वाला फोकस होना चाहिए, क्लियर, कि आपको सिर्फ वो डॉट नजर आए, दैट्स इट, क्लियर, ओके। सेकंड पॉइंट, ओके, दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस किया अभी, यस, ओके जी, सो उनकी जो कमिटमेंट होती है वो इसको मैं क्या लिखूं, सॉरी कमिटमेंट, सॉरी कमिटमेंट जो है वो कमिटमेंट, ओके, उनकी जो कमिटमेंट होती है वो विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ द विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ इवेंट्स, ओके, या सराउंडिंग्स, स्पेलिंग ठीक है, ओके जी, सराउंडिंग्स ठीक है, तो वो इवेंट्स के इन्फ्लुएंस में आके या उनका रिमोट कंट्रोल उनके अपने हाथ में होता है, बल्कि कह सकता हूँ मैं कि देयर उनका जो रिमोट कंट्रोल होता है वो उनके अपने हाथ में होता है, आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है, चाहे इसको आप ऐसे भी कह सकते हो अनवेवरिंग कमिटमेंट, या ऐसे कमिटमेंट कौन सी होती है उनकी, अनवेवरिंग कमिटमेंट, मतलब जो चेंज नहीं होती, अनवेवरिंग कमिटमेंट, क्लियर हो गया, ओके, थर्ड पॉइंट मुझे बताए, सबसे पहले तो ये होता है कि वो अलोननेस को, अलोन ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले ये समझो कि For becoming a great person, if you really want to be a great person, जितनी भी चीज़ें आपको सतह ज़मीन पे मिलती हैं, लोग ठुड्डे मारते हैं, पत्थर है सतह ज़मीन पे है, ऊपर है सतही लेवल पे है, लोग ठुड्डे मारते हैं, जितनी भी चीज़ें ग्रो की हैं, जितनी भी चीज़ें आपको ग्रोथ पे मिलती हैं, आपको दरख्त मिलते हैं, आपको डिफरेंट फूल नज़र आते हैं, ओके, जितनी भी चीज़ें ग्रोथ, इवन के घर बने हैं, ओके, जितनी भी चीजों की ग्रोथ हुई है जमीन के ऊपर, वो पहले लोनलीनेस में गई थी चीजें, एक बीज है, गंदम का बीज है, जमीन के ऊपर पड़ा कुछ नहीं होगा, जो ही जमीन में जाएगा अकेलेपन में, लोनलीनेस में, नहीं समझ आई, ग्रो योरसेल्फ, यू हैव टू बी इन अ लोनलीनेस स्टेज, अगर आपको अपनी लोनलीनेस से प्यार नहीं है ना, आपको लोनलीनेस अकेलापन आपको टेंशन देता है, स्ट्रेस देता है, तो फॉरगेट अबाउट बिकमिंग अ ग्रेट पर्सन इन योर लाइफ, इन आर टू बी ग्रेट पर्सन, देखो एक पत्थर ज़मीन के ऊपर है और कितने ही पत्थर हैं जो बहुत कीमती हैं, वो कहाँ से निकलते हैं, देखिए जितनी भी कीमती धातें हैं, मिनरल्स हैं, वो कहाँ से निकलते हैं, ज़मीन के नीचे से निकलते हैं, वही पत्थर जमीन की जब तय में जाता है और लोनलीनेस में रहता है और प्रेशर में, लोनलीनेस का मतलब है प्रेशर में, जमीन के प्रेशर में रहता है हजारों साल, वही पत्थर जो है वो हीरा बन जाता है, अब जैसे केमिकल मिक्स होते हैं, कुछ हीरे बन जाते हैं, कुछ सोना बन जाता है, कुछ चांदी बन जाता है, कुछ पित्तल, और हर चीज जो कीमती है वो प्रेशर में जाके, क्योंकि लोनलीनेस मीन प्रेशर, एंड इफ यू रियली वॉन्ट टू बी ग्रेट पर्सन, फर्स्ट You should love your loneliness. जो great लोग होते हैं, जब उनकी loneliness होती है तो उनके गिर्द मेला लगा होता है ख्यालात का और creativity का और inventions का और they are गौरव फिक्र का, और जब वो लोगों में होते हैं उस वक्त अकेले होते हैं, नहीं बात समझ आई, जो great लोग होते हैं अकेले होते हैं तो वो ज़्यादा enjoy कर रहे होते हैं, उनके लोगों का उनके यहाँ मेला लगा होता है जो इनविजिबल होता है, जो नजर नहीं आता, और जब वो लोगों में होते हैं उस वक्त वो अकेले होते हैं, ये बड़ी निशानी है, इसलिए हमारे प्रॉफिट भी लोनलीनेस में कुछ अर्सा रहे थे,
लेकिन लोनलीनेस में रहने के बाद एक टाइम आता है कि फिर आपने ग्रो करना है, फिर दुनिया को दिखाना है आपने। इसलिए गायब हो जाओ, गुम हो जाओ, दुनिया को पता ही ना हो आप किधर हैं, 6 महीने 1 साल गायब हो जाओ। आई गिव यू दिस टेक्निक 6 महीने के लिए आप कट ऑफ हो जाओ, ज़रा आओ चुप करके लाइब्रेरी में क्लास लो, लाइब्रेरी बैठो, और आपके फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा ना पता हो कि आप कहाँ पे होते, इन सेंस कि आपके फ्रेंड्स ज़्यादा कनेक्टिविटी ना रखो आप, सम हो इट्स फाइन, बट अपने आप को थोड़ा सोशली आइसोलेट करो विद अ पर्पस। सोशल आइसोलेशन विदाउट पर्पस इज अ बीमारी। आइसोलेशन लोनलीनेस विदाउट अ पर्पस इज अ बीमारी, साइको हो जाओगे। लोनलीनेस विद अ डिजायर ऑब्जेक्टिव फोकस कि मैं सीए को टाइम देना चाह रहा हूँ, इज अ की टू बी अ ग्रेट पर्सन। बात समझ आई? सो लोनलीनेस के साथ भी मकसद फोकस कि मैं क्यों लोनलीनेस में रहना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई हैव दिस ऑब्जेक्टिव। अगर वैसे लोन रहोगे तो पागल हो जाओगे। वो कहना चाह रहा था मैं सब जिनके ऑब्जेक्टिव नहीं होते, जिनका फोकस क्लियर नहीं होता, उनकी लोनलीनेस को खा जाती है, पागल हो जाते हैं। लेकिन आपने जब भी पढ़ना है तो आप लोनलीनेस में पढ़ना है, ऐसा ही है ना, लाइब्रेरी बैठते हो या घर में बैठते हो, लोनलीनेस में आपको चाहिए, दोस्तों में बैठकर पढ़ तो नहीं सकते। तो जिस टाइम भी आपने ग्रेटनेस शुरू की उस टाइम आप लोनलीनेस में थे, वेरी सरप्राइजिंग बात, क्लियर। तो सबसे पहले जो ग्रेट लोग होते हैं वो लोनलीनेस को पसंद करते हैं, क्योंकि लोनलीनेस इज अ टाइम वेयर दे ग्रो देमसेल्फ स्पिरिचुअली इंटेलेक्चुअली, बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो ग्रेट लोग होते हैं वो दूसरों की बनस्पत उनकी मेंटल कैपेबिलिटी ज़्यादा होती हैं, और वो किसके थ्रू डेवलप होती हैं, लोनलीनेस की वजह से डेवलप होती हैं। और ज़िंदगी में हर दिन बल्कि कोई आधा घंटा घंटा लाजमी अपने लिए रखा करो जिसमें सिर्फ आप हों और आप हों, सिर्फ आप हों और आपकी ही कंपनी हो, नोबडी एल्स। और उस टाइम पे दूसरों को भी ना पता हो कि आप कहाँ पे हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला ऐसा सच आपको ना हो, बट दिस इज अ वेरी। तो लोनलीनेस मीन ओके, तो ग्रेट पीपल क्या होते हैं जी, वो अलोन रहते हैं विद अ डिजायर ऑब्जेक्टिव, और जितनी भी चीज़ें ग्रो करती हैं वो कब करती हैं, जब वो लोनलीनेस में जाती हैं, लोनलीनेस विद प्रेशर। फोकस क्या है? प्रेशर, वो सीए का प्रेशर। बात समझ आ रही है? ओके, लोनलीनेस विद डिजायर ऑब्जेक्टिव कि मैंने ग्रो करना है। और आई ऑलवेज से कि अपने आप को गुम कर दो, कीप योरसेल्फ इन आइसोलेशन, ये दिस इज अ टाइम टू कीप यू इन आइसोलेशन, एंड यू कैन कीप यू इन आइसोलेशन। द मोर यू कीप इन आइसोलेशन इन नाउ अ डेज, द मोर चांसेस फॉर यू टू बी सक्सेसफुल इन द फ्यूचर टू ग्रो योरसेल्फ। एक आम भी गुटली ऊपर पड़ी है कुछ जमीन में दबा दो, कुछ ऐसे के बाद उगना शुरू कर देगी। इन ऑर्डर टू ग्रो योरसेल्फ इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली, whatever dimension, you have to be in loneliness stage for some time. That's a key, that's a real key. Next point, yes. very good. Achha, ek aur cheez ji, chautha point jo main discuss kar raha hu, theek hai, time ki baat ki hai, time ओके, यू कंट्रोल द टाइम, ओके, यू ओन इट, ओके, टाइम आपको कंट्रोल ना करे बल्कि आप टाइम को कंट्रोल करो, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब यस, लाइक ये पॉसिबल कैसे होगा कि टाइम आपके कंट्रोल में आ जाए? और लोगों ने टाइम को कंट्रोल में किया, अगेन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ प्रॉफिट, गए थे ना शबे मिराज पे, टाइम कंट्रोल में था। इफ यू रियली वांट टू बी ग्रेट पर्सन, बात याद रखना, अगर आप 24 आवर्स पे बिलीव कर रहे हो कि मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, यू कैन नेवर बी ग्रेट पर्सन। उनके लिए 24 घंटे नहीं होते, उनके लिए वही टाइम जो आम लोग 24 घंटों में काम करते हैं, वही काम वो 4 घंटों में कर देते हैं। लेकिन व्हाट इज़ द की कि जो बाकी लोग जो हैं वो, जो आपकी बात है 10 साल में करेंगे, वो आप 1 साल में करेंगे? व्हाट इज़ द की, द ओनली की टू ग्रैब द टाइम इन योर कंट्रोल,
कोई और टेक्निक नहीं है, कोई और फॉर्म, द ओनली टेक्निक टू ग्रैब दैट, टाइम आपके हाथ में हो, ना कि आप टाइम आपको कंट्रोल कर रहा हो। ओके, अभी टाइम आपको कंट्रोल कर रहा है ना, आप बार बार घड़ी को देखते हो, टाइम पीछे कितना रह गया, थोड़ा टाइम रह गया, अभी टाइम को आप, टाइम आपको कंट्रोल कर रहा है, बट हाउ यू कैन कंट्रोल द टाइम, दैट इज समथिंग आई मस्ट से अनइमेजिनेबल, कि आप इस स्टेट ऑफ माइंड में है कि आप खुद टाइम को अपनी मर्जी से, जहाँ पे अल्लाह पाक कहते हैं अब बता तेरी रजा क्या है, अब तुझे क्या चाहिए, दैट्स अ पॉइंट जहाँ पे टाइम आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। और उसकी एक ही व्हाट आई अंडरस्टैंड, ये जो दुनिया चल रही है ना, ये एक स्पेसिफिक एनर्जी पैटर्न पे चल रही है, एनर्जी पैटर्न पे। लाइक इफ़ यू रिमेन ऑप्टिमिस्टिक, अगर आप ज़्यादा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हो, ओके, और आप फॉरगिवनेस ज़्यादा करते हो, बट एक ख़ास एक एनर्जी स्टेट है, ओके, वो अल्लाह पाक ने बता दिया है कि सुबह सवेरे सवेरे उठना, ओके, कुछ ख़ास टाइम्स हैं और कुछ ख़ास पोस्चर हैं, कुछ ख़ास माइंडसेट हैं, अगर उन टेक्निक्स को फॉलो करोगे जो हमारे प्रॉफिट ने बताई हैं और उन्होंने खुद फॉलो किया तो टाइम उनके कंट्रोल में आ गया। उनको फॉलो किए बगैर, उन टेक्निक्स को फॉलो किए बगैर कभी भी टाइम आपके कंट्रोल में आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। अगेन, नहीं समझ आएगा ये कॉन्सेप्ट, थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। दुनिया किस पे चल रही है, एक ख़ास एनर्जी पैटर्न पे चल रही है, एक ख़ास एनर्जी की वाइब्रेशन इसमें चल रही है। उस अगर आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपकी वाइब्स यूनिवर्स की वाइब्स के साथ मैच कर गई ना, देखिए जो बड़ा रेयर है, जो बड़ा ही रेयर है कि आपकी जो एनर्जी है वो मैच हो रही है यूनिवर्स की एनर्जी के साथ, फरिश्तों की एनर्जी के साथ, ओके, जिस मैकेनिज्म पे यूनिवर्स चलाई जा रही है, अगर उसके साथ, क्योंकि ये सारी काइनेटिक एनर्जी है ना, आपको नज़र आती है, सूरज एक एनर्जी है, ऐसे ही ना, चाँद एक एनर्जी है, हवा एक एनर्जी है, सब एनर्जी है ना, तो अगर आपकी एनर्जी इन एनर्जीज के साथ मैच हो गई तो फिर वही बात है कि वो सलमान सलाम थे ना, उनका तख्त था ना, हाँ, तो ब्लिंक ऑफ एन आई वो कैसे आ जाता था, वो भी तो एक चीज़ है ना, कुछ ताकत है ना, कुछ, देर समथिंग दैट यू डोंट नो एंड यू आर नॉट टोल्ड फॉर, बट देर इज समथिंग दैट यू शुड नो, कि इस दुनिया में ऐसी कोई एनर्जीज हैं दैट इफ़ यू गेट इन हार्मनी विद दोज एनर्जी, ब्लिंक ऑफ एन आई चीज़ें आपके सामने होंगी, जो शायद एक साल लगा के आपके पास है, ब्लिंक ऑफ एन आई चीज़ें आपके सामने, और ऐसी एग्जांपल्स हैं दुनिया में। अगर उस टाइम पर वो हो, दुनिया में जो काम हो सकते हैं, जो आज से आपको लगता है कि कहानी है, ओके, और जो रियलिटी बेस्ड है, रियलिटी है ना ये तो सलमान, ये जिन जो लेके, जो चीज़ें हो चुकी हैं वो इंसान कर सकता है, क्योंकि हम तो नाइब बनाए गए हैं इस कायनात के, नाइब, यू आर द सेकेंड ऑफ दिस यूनिवर्स आफ्टर द अल्लाह, ऐसा ही है ना, अशरफुल मखलूकात बनाए गए हो ना, ठीक है, सो यू हैव दिस एबिलिटी, लेकिन हमें उन टेक्निक्स का नहीं पता कि हाउ टू गेट इन हार्मनी विद दैट एनर्जी, एंड यू हैव टू लर्न दैट, क्लियर। अब इसका एक डिफरेंट डिबेट है, डिफरेंट टाइम रिक्वायर्ड है कि वो एनर्जीज किस हार्नेस कर सकते हो, उनको कैसे ग्रैब कर सकते हो, क्लियर, ओके। सो इफ यू रियली वॉन्ट टू बिकम एफिशिएंट, कि जो 10 साल वाला काम है वो एक साल में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल 110% हो सकता है, बट फॉर द सेम रीज़न आपकी एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी के साथ इन हार्मनी होनी चाहिए। और यूनिवर्स की एनर्जी मतलब क्या है, कि सूरज की एनर्जी, हवाएं, और ये जितनी भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो एनर्जी, सब एनर्जी बेस है, ठीक है, और आपकी वाइब्रेशन उनके साथ सेम फ्रिक्वेंसी पर चल रही है, मतलब आप बनना चाहते हो ईगल पे, उतना उड़ना चाहते हो, और आपकी फ्रीक्वेंसी है कवे वाली, एक कवे की फ्रीक्वेंसी है ना, उसके ऊपर नहीं उड़ सकता, ईगल की फ्रीक्वेंसी है, अगर आप ईगल की फ्रीक्वेंसी पे जाना चाहते हो तो आपको उस फ्रीक्वेंसी पे आपको जाना पड़ेगा, ईगल नीचे नहीं आएगा, यू हैव टू बी इन दैट फ्रीक्वेंसी, नहीं समझ आ रही, अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना, इसका ऑल द टाइम आई से इफ यू मूव योर फ्रीक्वेंसी हॉरिजॉन्टली you can never touch those frequencies, for the same reason you have to move those frequencies vertically, jitna upar jaoge cheeze choti nazar aayenge, jitna horizontal jaoge thi cheeze badi badi cheeze nazar aayenge,
सो ऑल द टाइम दो ही सफर मुझे समझ में आया है, एक इंटरनल, तीन तरह के सफर करते हो तुम लोग, फोकस तीन तरह के करते हो, एक हॉरिजॉन्टल फोकस, गड्डी वड्डी गड्डी होते कोल, कड्डा वड्डा घर होते कोल, इड्डी वड्डी फैक्ट्री होते कोल, ये हॉरिजॉन्टल फोकस है। एक है अंदर का फोकस, अपने आप फोकस भी दो तरह के इंटरनल, एक अपने आप को लान तान करना, मैंने क्या किया, अपनी कंप्लेनिंग स्टेट में रहना, मुझे ये गलती होगी, एक है कि अपना सेल्फ डेवलपमेंट करना, वो अच्छा फोकस है। तो मुझे दो ही फोकस समझ आए, एक इनर फोकस, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट का फोकस, अपना स्वॉट एनालिसिस खुद ही का फोकस, अपना एहतसाब सेल्फ फीडबैक, और दूसरा वर्टिकल फोकस। नहीं समझ आई, देखिए वर्टिकल से सीधा इधर 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 क्रॉस, यू विल बी सक्सेसफुल ग्रेट पर्सन। द मोर यू गो लाइक दिस द मोर यू बिकम लाइक एन एवरेज पर्सन। समझ आ रही है बात की, बात समझ आ रही है? सो फोकस कैसे, सीधा इंटरनल, इंटरनल सीधा। इफ यू गिव मोर फोकस लाइक दिस वन, टेंशन है, जजमेंट्स, मुकाबलाबाजी, कंपटीशन, स्ट्रेस, मुंह से आगे निकल गया, बात समझ आ रही? तो दिस इज व्हाट आई मीन टू से। जी ओके, तो टाइम को आपको समझ आ गई बेटा। एक और जो लास्ट थिंग, लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी डोंट हैव मोर टाइम टू डिस्कस, सो ऑल द मोर अदर पॉइंट्स नीड टू बी डिस्कस। एक उनका होता है या मॉर्निंग हैबिट्स, या मॉर्निंग हैबिट्स या स्लीपिंग पैटर्न, या स्लीपिंग पैटर्न। ओके जी, आप स्लीप क्यों करते हो? फ्रेश फ्रेश कब होते हो? अच्छी नहीं। और आप जब सोते हो तो क्या होते हैं आपकी बॉडी के साथ? मेंटेनेंस होती है। तो आप जागते हुए हम बॉडी की वो सत्यानाश करते हो, इतना वीर एंड टीयर करते हो कि जब सोते हो तो वो जो वीर एंड टीयर है और वो जो डिस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी है वो फिर रिकवर होना शुरू करती है। बेटा स्लीपिंग हम क्यों करते हैं? खुद को मिन जब आप जागते हो, प्लीज़, जब हम जागते हैं तो हम अपनी फाइव सेंसेस को यूज़ करते हो और बॉडी को यूज़ करते हो, तो ये रिप्लीनिश, ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं या इनको हम डैमेज करते हैं। तो जब सोते हो तो इनका रिकवरी मोड शुरू होता है। तो स्लीपिंग इज़ अ रिकवरी मोड। द मोर यू रिमेन इन नेगेटिव स्टेट, द मोर यू रिमेन इन कंप्लेनिंग स्टेट, द मोर यू stress out yourself while waking up, the more you require the maintenance. नहीं समझ आए? ज्यादा सोते कौन है? ज्यादा सोते कौन है? जो ज्यादा अपनी बॉडी का वीर एंटियर करते हैं, जो ज्यादा अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो ज्यादा नेगेटिव रहते हैं, जो ज्यादा नाशुक्री करते हैं, जो ज्यादा कंप्लेनिंग स्टेट में रहते हैं, उनको ज्यादा सोना पड़ता है, क्योंकि उनकी बॉडी को रिकवर करने के लिए रिक्वायर मोर टाइम। हाउ इट इज पॉसिबल कि हजरत उमर हो सिर्फ 5 मिनट के लिए सोते थे और 23 hours and 55 minutes जागते थे? हाउ इट इज पॉसिबल? अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, वो भी इंसान थे ना आखिर। सो व्हाट इज द रीजन के, अच्छा पहले तो ये हम कहते हैं कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, ओके जी, इतने घंटे, लेकिन व्हाट आई बिलीव कि अगर आप 8, 8 और 10, 10 और 12, 12 घंटे आप सोए रहे जिंदगी में, तो आपने आधी जिंदगी तो सो में ही गुजार दी, सोने में ही गुजार दी, तो आपने अपनी जीनियसनेस को कब उसको प्रमोट करना है, कब उस पोटेंशियल को रियलाइज करना है? जो ग्रेट लोग होते हैं उनकी स्लीपिंग पैटर्न रिड्यूस होता है, 3, 4, 5 घंटे मोर देन एनफ। एक पर्सन है जो 16 घंटे 18 घंटे काम करता है, और एक पर्सन जो है वो 12 घंटे सोता है, 12 घंटे काम तो कर नहीं सकता, 6 घंटे काम करता है, 2 घंटे फैमिली को दिए, 2 घंटे अपने आप को दिए, तो वो क्या दोनों की प्रोडक्टिविटी एट द आफ्टर 60 इयर्स इक्वल होगी? बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? जो ग्रेट लोग होते हैं उनका स्लीपिंग पैटर्न रिड्यूस होता है। और आपको अभी रियलाइज नहीं हुआ कि यार जो ग्रेट लोग होते हैं वो हर वक्त फ्रेश भी होते हैं,
मतलब उनकी अजीब सी एनर्जी है कि वो हर जगह फ्रेश भी होते हैं, चाहे सुबह के 9 बजे हों, चाहे शाम के 4 बजे हों, वो दे आर फ्रेश मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके, एंड दे आर डूइंग मच बेटर देन अदर पीपल. उनकी स्लीप भी कम है, कभी नोट नहीं किया इस बात को. उसकी जो मेन रीज़न है बेटा, इफ़ यू वॉन्ट टू रिड्यूस योर स्लीपिंग पैटर्न, ठीक है, अगर 12-12 घंटे सोओगे तो फिर आप ग्रेट पर्सन नहीं बन सकते. बॉडी रिकवर कर जाएगी, एवरेज तो आप पास कर लोगे, एवरेज आपका, लेकिन आप ग्रेट, जिसे कहते हैं ना हैबिट्स ऑफ ग्रेट पीपल की हिस्ट्री में आपको याद रखा जाए, वो आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. उसके लिए क्या करना है कि अपना स्लीपिंग पैटर्न रिड्यूस करो, 18-18 घंटे काम करो. ये कैसे पॉसिबल होगा? 20 घंटे तक कैसे पॉसिबल होगा कि आप 20 घंटे काम भी करें और फ्रेश भी रहें? उसके लिए की है, मिल्कल कीज है. द फर्स्ट इज टू रिमेन इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड. जब आप जागते हो तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रखो, पॉजिटिव सोचो, कंप्लेन ना करो, ना शुक्रिया ना करो, दूसरों को माफ कर दिया करो. समटाइम आपको एटीट्यूड दिखाना होता है, जैसे पेरेंट दिखाते हैं एटीट्यूड, सामने दिखाना होता है, लेकिन अंदर से माफ़ कर दो, लेकिन एटीट्यूड दिखाना पड़ता है समटाइम. माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि आप, मतलब लोग आपको निचोड़ लेंगे अगर आपने अपना एटीट्यूड भी, मतलब हमारे कल्चर में आई एम सॉरी टू से, माफ़ करने का मतलब ये है कि आप अंदर से उसको पॉजिटिव रहो, उसकी उसके लिए अच्छी फीलिंग, लेकिन समटाइम थोड़ा एटीट्यूड दिखाना होता है ताकि बंदा बंदे का पुत्र बन जाए. पेरेंट दिखाते हैं ना समटाइम, ठीक है. सो If you really want to reduce your sleeping duration, what you have to do? Positive vibes me all the time. Just state of mind me all the time. Live. Think positively. Na shukri nahi karni. Okay? Okay? If you do all the time shukr, if you forgive every person who ever has done whatsoever with you negative, whatsoever. You just forgive that person. Okay? आप ना शुक्री नहीं करते हो, आप जल्दी माफ़ करने वाले हो, और आप हर एक के लिए अच्छा सोचते हो, वैल्यूडेशन का सोचते हो, इम्पैक्ट डालने का सोचते हो, कंट्रीब्यूशन का सोचते हो, तो फिर ये 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 आपको वर्ड्स एनर्जी देते हैं, ये एक्शन आपको एनर्जी देते हैं. जब आप नेगेटिव सोचते हो तो आपकी एनर्जी, क्योंकि वर्ड्स में एनर्जी होती है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है आपकी, फिर आपकी एनर्जी ड्रेन, फिर आप ज़्यादा थकावट फील करते हो. आप कभी फील करो कि जब आपको टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, आप फौरन आपको सोने का दिल करता है, सुस्त हो जाते हो, आपको लेटने का दिल करता है, हाँ, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी, आपने अपनी एनर्जी को रिड्यूस कर दिया. रमज़ान में ऐसा क्यों होता है? I couldn't realize रमज़ान में ऐसा क्यों होता है कि सारा दिन आप नहीं खाते सिले सोके, और आम दिनों में आप 2 घंटे आपसे वेट नहीं होता? हाउ इट इज पॉसिबल? वो 30 रोजे ऐसे गुजर जाते हैं पता भी नहीं चलता, ओके. और आम दिनों में जनाब अगर दिन का खाना नहीं खाया तो सामने दर्द शुरू हो जाती है, क्योंकि वो एक जो ओवरऑल माहौल डेवलप होता है वो पॉजिटिव होता है, तो माहौल का भी असर होता है और आप भी पॉजिटिव होते हैं, आप ही उस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं. तो प्लीज़, ओके, सो स्लीपिंग, ओके, तो एक तो ये है कि वो अपना मॉर्निंग पैटर्न नॉन नेगोशिएबल, मतलब उसको डिस्टर्ब नहीं करते व्हाटसोएवर. Okay, great, if you really want to be passionate about a great person, wake up before the sun rises, okay, 3 times I said, if you really want to be a great person, ठीक है, सूर्य निकलने से पहले आपको जागना पड़ेगा. एक, चाहे रात को 2 बजे सोएं, चाहे रात को 10 बजे सोएं, लेकिन एक बात बता दूं कि रात को 12 बजे से पहले सोना, अगर 10 बजे सोए हैं, 10 से 12 2 घंटे नहीं सोए, 4 घंटे सोए. 12 बजे से पहले 1 घंटा सोना इसको 2 घंटे सोए, 12 बजे के बाद 1 घंटा सोना मीन 1 घंटा सोना. तो कोशिश करो कि 12 बजे से पहले किसी भी तरह से सो जाओ, 12 के बाद प्रॉब्लम है. अगला दिन आपका गया, इट्स रियली आई मीन इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि आप 100% इफेक्टिव होंगे अगले दिन अगर आप 2 बजे सो रहे हैं. नो, इम्पॉसिबल. क्लियर? सो ट्राई टू स्लीप बिफोर 12, 10 बजे तक सो जाओ, कोशिश करके अपनी ये एक एक अपने लिए एक एक हदीस बना लो व्हाटसएवर, कि मैंने 10 बजे सोना ही सोना है बस, व्हाटसएवर.
और मैंने सुबह जल्दी उठना है, ठीक है। अब इसमें यह है कि आप अपना फिर आपने जो टाइम रिड्यूस करना है, इधर से रिड्यूस नहीं करना, 10 से 11, 11 से 12, इधर से रिड्यूस नहीं करना। मैं आई एम टॉकिंग द रिड्यूसिंग टाइम फ्रॉम अदर परस्पेक्टिव। अगर 6 बजे उठते हैं, फिर 5 बजे उठना शुरू करें, फिर 4 बजे उठना शुरू करें, इधर से टाइम आपने रिड्यूस करना है। हम क्या करते हैं, इधर से टाइम रिड्यूस करते हैं, 10 बजे, फिर 11 बजे, फिर 12 बजे, फिर 1 बजे। नो, आई एम टॉकिंग फ्रॉम अदर परस्पेक्टिव। यू नो, सर, आप 2 बजे सोएं और 4 बजे फिर आप फ्रेश हो, नो, उधर वही टाइम रखना, उधर कंप्रोमाइज नहीं करना। जो टाइम आपने रिड्यूस करना है वो अदर साइड से करना है। अभी 6 बजे उठते हैं, फिर 5 बजे, फिर 4 बजे, फिर 3 बजे, 2 बजे फिर उठा करें, फिर 2 बजे उठ, फिर आप अपना काम करें घंटा 2 घंटे, फिर आप आधा घंटे के लिए सो जाए घंटे के लिए। दिस इज व्हाट द प्रॉफिट यूज्ड टू डू। क्लियर? ओके, सो आई होप यू गॉट इट। ओके, अभी स्टिल आई हैव टू डिस्कस अ लॉट अदर पॉइंट, बट वी डोंट हैव सो मच टाइम, एंड आई होप यू लर्न सो मेनी गुड थिंग्स टुडे। Okay, so best of luck, and I hope that we apply these points. The purpose is not just to listen. We are very good listeners. Purpose not to listen. Listening is secondary. Implementation, what you listen, is primary. Understood? Listening is not primary. Reading is primary. Or padhna aur sunna kya primary hai? No, secondary. कुरान पढ़ना इज नॉट प्राइमरी, कुरान पढ़ना इज सेकेंडरी, उसको अप्लाई करना इज प्राइमरी, आज का लेक्चर लेना इज नॉट प्राइमरी, इज सेकेंडरी। इसको अपनी जात में अप्लाई करना, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना, इंपैक्ट लेके आना, दिस इज द प्राइमरी। क्लियर? सो ओके, आई प्रे कि हम इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें चीज़ों को, क्योंकि दिखने को चीज़ें बहुत सिंपल हैं, जो चीज़ें लिखने में आसान होती हैं वो करने में इतनी मुश्किल। सब्र है, सुनने में कितना आसान है, करने फॉरगिवनेस सुनने में कितना आसान है, आसान सी बात है, करने में इतना ही मुश्किल है। तो रिमेंबर, ओके, जो चीज़ें दिखने में आसान लगती हैं उनको करना इतना ही मुश्किल होता है। क्लियर? सो बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट ऑफ विशेज, इंशाल्लाह सी यू देन, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।